तो क्या हालचाल है सभी के, स्वागत है आप सबका कारपेंटर की एक और नई वीडियो में। सो आज की वीडियो में हम किचन दिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है किचन, ये नीचे का पोर्शन हो गया, इस तरफ ये ऊपर का पोर्शन आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले इस पूरे किचन की बात कर लेते हैं। तो किचन की लंबाई और चौड़ाई है 11.5 फीट, इसकी इस तरह से लंबाई है, 7.5 फीट चौड़ाई है। पूरी जो किचन की चौड़ाई और लंबाई है ये इसका साइज। तो अब ये नीचे वाला जो बॉक्स है इसकी हम बात कर लेते हैं। ये गहराई में हमने 22 इंच रखा है और इस तरह से ये 7 फीट लगभग है, 83 इंच के लगभग इसका ये फ्रंट मिलता है आपको। इस तरफ ये 5.5 फीट का फ्रंट मिलता है, 34 इंच इसकी काउंटर तक हाइट है पूरी नीचे से ऊपर तक। उस तरफ वो आपको सिंक मिल जाता है, इस तरफ ये आपको फ्रिज के लिए जगह मिल जाती है। ये पूरी हमने नीचे से ऊपर तक फ्रिज के लिए छोड़ दी है। अब ये ऊपर की जो है पोर्शन इसकी बात कर लेते हैं। तो ये 10 फीट आपको इसका जो है पूरा फ्रंट मिलता है, ये जो है इधर आपको 6.5 फीट का इसका पूरा फ्रंट मिलता है। इस तरफ हमने ये ओवन के लिए दे दिया है, यहाँ पे चिमनी लगा दी हमने, ये नीचे गैस स्टोव रखा है इसका, और वहाँ पे जैसे कि फ्रिज के लिए जगह छोड़ दी है। तो नीचे की बात करते हैं, नीचे हमने ये इस तरफ इनोटेक है, ये 3 इनोटेक हैं, उस तरफ वो कॉर्नर है, यहाँ पे बोतल पुल आउट दिया है, ये फिर 3 इनोटेक लगाए हमने, यहाँ पे ये 2 शटर दिए है, उसके अंदर एस क्राउसल दिया है हमने, यहाँ पे हमने बर्तनों की जो बास्केट आता है बर्तनों की टोकरी वो लगाई है इसके अंदर। यहाँ पे आरओ के लिए हमने ये पोर्शन छोड़ दिया है, ये ओवन के लिए जैसे कि मैंने बताया। ऊपर ये आपके क्रॉकरी वगैरह के लिए ये 2 पोर्शन मिलते हैं, यहाँ पे ये कॉर्नर का है, यहाँ पे शटर दिया हमने, ये एक आपको कैबिनेट मिलता है। इस तरफ ये चिमनी के ऊपर ये पल्ला दिया है हमने, इस तरफ ये 2 फिर शटर दिए हैं, एक कैबिनेट हमने इस तरफ दिया है। तो जो ऊपर के बॉक्स की जो गहराई है वो इधर जो है 12 इंच रखी है हमने, और उधर की हमने 16 इंच रखी है, क्योंकि यहाँ पे OTG आना है, ओवन आना है यहाँ पे, इसलिए हमने ये 16 इंच इसकी ये वाली गहराई रखी है। यहाँ पे हमने एक होल दे दिया है इसके एग्जॉस्ट के लिए और वायरिंग के लिए, OTG जो आएगा, और इस तरफ ये वायरिंग के लिए और पाइप के लिए हमने ये फिलहाल यहाँ पे एक होल दे दिया है, ये वाला, ये आपको इस तरह से मिलता है। अब हम आपको पूरा एक बार ये पोर्शन दिखाते हैं खोल के। तो सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये आपको आटे के लिए मिल जाता है, इनोटेक दिया है हमने, ये आपको आटे वगैरह के लिए मिल जाता है। आगे आपको ये आपको कटलरी ट्रे मिल जाती है, चम्मच वगैरह, छुरी, चप्पू वगैरह के लिए। इसके नीचे आपको मल्टीपर्पज मिलता है 6 इंच का, ये 6 इंच का है, ऊपर 4 का है, नीचे 8 इंच का है, मतलब इस तरह से हमने ये गैलरीज, ये वाला साइज इनका 4 इंच होता है, लेकिन ये गैलरीज आप बड़ा घटा सकते हैं, इस हिसाब से ये सेट होता है। नीचे का हमने 8 इंच का दिया है, ये भी मल्टीपर्पज़ है। तो ये वाले आपको तीनों के तीनों मल्टीपर्पज़ मिलते हैं, ये तीनों के तीनों, ऊपर का 4 इंच, नीचे का 6 इंच और सबसे नीचे का 8 इंच, यानी आप इसमें लगभग 10 इंच का सामान रख सकते हैं आराम से। इसके बाद हमने ये कॉर्नर में एस क्राउजल दिया है यहाँ पर, तो ये अंदर की तरफ हमने एस क्राउजल दिया है, ये वाला, ये 2 ट्रे आपको इसके साथ मिलती है, ये कॉर्नर में लगता है, और ये वाला जो शटर लगता है यहाँ पे ब्लाइंड हिंजेस 90 डिग्री के जो हिंजेस आते हैं वो लगा के फिर इसको लगाया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो ये दोनों ट्रे कुछ इस तरीके से निकल जाते हैं ऊपर। इसके बाद हमने ये बोतल पुल आउट दिया है कॉर्नर के साइड में, ये वाला जो मिलता है आपको, ये बोतल पुल आउट मिलता है इस तरफ, इस तरह से ये बास्केट है, मतलब जो स्टील की बास्केट आती है वो लगाइए, सॉफ्ट क्लोज इसमें हमने चैनल दे दिया। इसके बाद इस तरफ भी हमने 3 इनोटेक, ये भी मल्टीपर्पज है, आप इसे किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर सिंक के नीचे हमने ये 2 शटर दे दिए हैं, बाकी पोर्शन पूरा खाली है। इस तरफ हमने डोर पे डस्टबिन दे दिया है। ऊपर के पोर्शन की हम बात करते हैं। ऊपर के पोर्शन में हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने ये बर्तनों की टोकरी दे दी है, बास्केट बर्तन वगैरह आप रख सकते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से हमने लगाई है। ऊपर ये गीजर का कनेक्शन है, तो यहाँ पे हमने कट दे दिया है। इसके बाद ये आपको आरओ के लिए मिल जाता है, मतलब कोई भी आरओ आप इसमें रख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज हमने छोड़ दिया है 18 इंच चौड़ाई में, ये आप कोई भी आरओ इसमें रख सकते हैं।
इसके बाद ये हमने ओवन का दिया है, जिसके ऊपर आपको क्रॉकरी के लिए ये ग्लास मिल जाता है, ये ग्लास लगा दिया है 5 mm का। सो ये आपको क्रॉकरी वगैरह के लिए ये वाला पोर्शन आपको मिल जाता है पूरा। इसके बाद ये दो शटर आपको कॉर्नर में मिलते हैं, बीच में हमने ये शेल्फ दे दिया है, इसमें नीचे की तरफ हमने ये थोड़ा छोटा रखा, ऊपर का खाना जो है पोर्शन बड़ा कर दिया है। तो ये कॉर्नर में कुछ इस तरीके से आपको एक स्टोरेज मिलता है। इसके बाद फिर हमने ये ऊपर की तरफ जो दिया है ये क्रॉकरी के लिए दिया है, नीचे की तरफ एक आपको पोर्शन कैबिनेट आपको मिल जाता है। ये वाला हमने चिमनी के जो है चिमनी को छुपाने के लिए पाइप वगैरह, तो इसलिए ये वाला शटर हमने इसमें दे दिया। इसके बाद आपको ये फिर दो पोर्शन मिलते हैं, तो आपको कैबिनेट मिलते हैं ये इस तरीके से। इसमें भी आप नीचे की तरफ छोटा सामान रख सकते हैं, ऊपर का जो खाना है वो हमने बड़ा कर दिया। सेम इस तरह से आपको ये इधर का मिलता है। और अब सबसे लास्ट वाला, ये फ्रिज के ऊपर जो है ये मतलब शॉकर का पल्ला लगा के हमने ये एक कैबिनेट आपको मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर का जो बॉर्डर है, हमने ऊपर का बॉर्डर 6 इंच इस तरह से रखा है और 3 इंच लगभग ये बाहर निकाल दिया है, मतलब पल्ले लगने के बाद ये आपको लगभग 2 से 2.25 इंच ये बाहर की तरफ हमने निकाल रखा। तो मटेरियल की अब बात करते हैं। मटेरियल में हमने इसमें सेंचुरी प्रो वुड करके जो SDHMR आता है 1675 mm का, 16.75 mm का, वो इसमें हमने पूरे में इस्तेमाल किया है। शटर में भी पूरे बॉक्स वगैरह बनाने में SDHMR इस्तेमाल किया है। लेमिनेट की हम बात कर देते हैं। लेमिनेट में हमने ये कुछ ऊपर का जो पैटर्न है ये कुछ इस तरीके से ऑफ वाइट पाइन वुड, मतलब पाइन वुड होती है इस तरह से, ये वाली जो शीट है ये वाली हमने इस्तेमाल करी है, जो ऊपर का पूरा पोर्शन है ये कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। नीचे की तरफ हमने जो है ये थोड़ी ग्रे कलर में आपको ये देखने को मिलती है, दोनों 1 mm की जो है शीट है। अब बात कर लेते हैं एक्सेसरीज की। एक्सेसरीज में हमने जितने भी यूनोटेक हमने डोर सेट की इस्तेमाल करी है, एक्सप्रेस क्लाउजर भी हमने डोर सेट का इस्तेमाल किया है, और जो हिंजेस हैं इसमें वो भी हमने डोर सेट के ही इस्तेमाल किए हैं। ये हमने प्रोफाइल हैंडल का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे ये वाले इस तरह से, ये 18 इंच के हैं, इस तरफ 12 इंच के हैं, और जो बॉटल पुल आउट है उसमें 8 इंच का हमने हैंडल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद जो ऊपर का पोर्शन है ये हमने हैंडल लेस रखे हैं, इनमें कोई भी हैंडल वगैरह नहीं। तो नीचे का जो ये जो शटर है ये हमने लगभग 1.5 इंच नीचे निकाल दिया है ताकि आप इसे आराम से खोल सकें, तो इसमें हैंडल वगैरह नहीं लगाया है। तो ये था किचन, कैसा लगा आपको ये किचन कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।